टीकाकरण में क्या क्या सावधानी रखना? टीकाकरण में देखो वैसे तो कई तरह की सावधानी रखनी पड़े, पर जो खास सावधानी ने वो अंतर्गत या एक तो क्या है कि जो जानवर एकदम जन्ने वाले स्टेज में हो, मतलब 7 महीने से ऊपर अगर गाभिन है तो वह नहीं लगानी चाहिए। दूसरा ये है कि बीमार जानवर का टीका नहीं लगानी चाहिए। और तीसरा कि बहुत छोटे बच्चे हो वह भी टीका नहीं लगानी चाहिए। तो यह थोड़ी सावधानी अपन को रखनी चाहिए। तो टीका का सही तापमान पर रखना जरूरी है, मतलब 4 से 7 डिग्री सेल्सियस में। तो मतलब जब भी आप लगाना जाओ तो बर्फ का अंदर होगा ले जानी चाहिए। और दूसरा एक दूसरी सावधानी यह भी रखनी चाहिए कि जो भी अपन टीकाकरण करा या तो ये ठंडा मौसम में करना चाहिए, मतलब या तो सुबह करना चाहिए या शाम का करना चाहिए। ज्यादा तापमान हो अगर बाहर को उतना समय पर नहीं करना चाहिए। टीकाकरण को फायदा क्या है? फायदा तो मैंने ये है कि देखो यह बीमारी अगर कहीं आई भी अपना आसपास भी आई जाए तो जना जानवर का टीको लगे ले वो क्या बीमारी नहीं आने की, मतलब जो बीमारी से बचा हुआ है जना जना जानवर का लगे ले वो क्या नहीं आने की, बोले पूरा बाकी जगह पर आई जाए बीमारी, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि अगर बीमारी आई गई तो बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ। तो अगर बच्चा अपना जानवर को बचा भी जाएगा, जैसे टीको लगे ले वो बची जाएगा कैसे। टीकाकरण करना सी अगर आड़ की बीमारी नहीं आओ कैसे हम टीकाकरण करवाई दे। डॉक्टर साहब ऐसे कहीं नुकसान भी हो जाएगा? टीकाकरण से नुकसान तो कहीं देखे नहीं गए, बस खाली थोड़ी सी कहेगी लगाने के बाद गर्दन में जहाँ टीको लगे ले वहाँ कभी कभी सूजन आई जाए तो वहाँ कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। कहे कि अगर सूजन आ जाए तो पहले ठंडा पानी से सेकी करांगा कुछ दिन, वकासी उतरी सका, अगर वकासी बात भी नहीं उतरी तो कुछ दिन बाद होगा गर्म पानी से सेकी करी ना अपन कम करी सका। तो मतलब कोई ज्यादा बड़ी नुकसान वाली बात नहीं है, वो तो एक तरह का हो जाए टीका जहाँ भी लगाने तो थोड़ा गठान आई सके।